हेलो यूट्यूब फैमिली है गाइज, आज हम ब्लाउज कटिंग बताने जा रहे हैं जो कि 40 इंच चेस्ट की है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा 80 सेंटीमीटर कपड़ा का है अस्तर। इसको देखिए, सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करें, ओपन करेंगे इस तरह से। हमने ओपन कर लिया, अब इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो हमारा 40 इंच चेस्ट का ब्लाउज है, तो उसमें उसका चौथा हिस्सा 10 इंच आएगा और 10 इंच का 10 इंच देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है, तो 2 इंच और एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। तो इस कपड़े को और हम बढ़ा लेंगे। अब फिर से मेजरमेंट करते हैं, आपका जितना भी चेस्ट हो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा हम रखेंगे मार्जिन के लिए। इस तरह से आप फोल्ड कर सकते हैं। हमारे ब्लाउज का लेंथ है, देखिए हमारे ब्लाउज का लेंथ है 14 इंच, तो यहाँ पे हम 14.5 इंच है तो 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। डीप गला बनाना है तो यहाँ पे देखिए हमारा 15 इंच आ रहा था, डीप गला बनाना है तो 5.5 इंच पे हम शोल्डर लेंगे। इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब आर्म होल रखेंगे 6 इंच पे। अब इस निशान को भी सीधे मिला देंगे, 1 इंच की दूरी देते हुए राउंड शेप यहाँ पे देंगे। यहाँ पे अपने चेस्ट का मेजरमेंट रखेंगे, देखिए आपका जितना भी चेस्ट हो उसका चौथा हिस्सा पे यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ पे हम 40 साइज का बना रहे हैं तो यहाँ पे हम 6 इंच आर्म होल लिए हैं। अगर आप 32, 34, 36 साइज का लेंगे तो 5.5 इंच यहाँ पे हम आर्म होल की गुलाई देंगे। अब इसको आर्म होल का शेप दे देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने आर्म होल का शेप दे दिया। अब यहाँ पे हम देखिए गले की चौड़ाई देंगे 2.5 इंच पे। 10.5 इंच लंबाई हमारी है। नीचे का हिस्सा रखेंगे 3.5 इंच पे। अब इन दोनों निशानों को मिला देंगे। देखिए इस तरह से हमने मिला दिया। अब यहाँ पे आप गले का डिजाइन दे सकती हैं। तो हमने यहाँ पे मटका का शेप दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अब इसको हम कटिंग करेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से जिस आइडिया से हम बता रहे हैं ब्लाउज कटिंग करना है, अगर इस आइडिया से आप करेंगे ब्लाउज की कटिंग तो हमारे जो आर्म होल में जॉइंट होता है वो नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम किसी भी साइज का ब्लाउज बनाएं तो सबसे पहले देखिए इस तरह से बैक पार्ट को कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बीचों बीच में डॉट के लिए क्रिएट कर लेंगे हम। 32 इंच कमर है, 1 इंच का डॉट पॉइंट देंगे और 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इन दोनों निशानों को भी मिला देंगे हम। तो हमने इसको मिला लिया है, अब इसका कटिंग करेंगे। देखिए यहाँ से कटिंग कर लिए। अब कपड़े को इस तरह से घुमा लेंगे ताकि हमें काटने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से इसको कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमारा बैक पार्ट कट के तैयार हो गया है। अब बैक पार्ट को अलग से हटा देंगे।
अब इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड ही रहने देंगे। और देखिए फिर से इसको हम सही से कर लेंगे बराबर से। और जो बैक का पार्ट है उसको उठा करके देखिए, यहाँ पे जो हमारा गला है तो गले की साइड बैक साइड बंद था, तो हमारे फ्रंट में इसका हुखा ही रहेगा, तो इसको यहाँ से ऊपर से एडजस्ट करेंगे, जहाँ से हमारा बैठ जा रहा है कपड़ा वहाँ से एडजस्ट कर लेंगे इसको। तो देखिए यहाँ से हमारा प्रॉपर बैठ रहा है, तो क्या करेंगे कि हम इसको ड्रॉ कर लेंगे आर्म होल को और शोल्डर को। तो देखिए यहाँ से हम ड्रॉ कर ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए हमने आर्म होल और शोल्डर को ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे गले की चौड़ाई का लेंथ लगा लेंगे निशान। अब हमारा बैक का पार्ट जितना भी लो, जिस आपका जितना भी लेंथ हो उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे फ्रंट के पार्ट को। वन इंच भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 1 इंच रख रहे हैं ताकि हमारा ब्लाउज का जो कपड़ा है ये वाला आस्ता थोड़ा छोटा पड़ गया है, तो इसलिए अब इस निशान को हम सीधे मिला लेंगे। देखिए यहाँ पे सीधे निशान को हम लगा लिए। अब बैक का पार्ट को हटा देंगे। बैक पार्ट को हटाने के बाद देखिए यहाँ पे हमने इसको पिन कर दिया। यहाँ पर भी एक पिन लगा देंगे। अब यहाँ से देखिए हम गला की लंबाई लेंगे। तो हमारे गले की लेंथ सामने वाले की 6 इंच है। देखिए यहाँ पे 6 इंच पे हमने गले का निशान लगाया। फिर यहाँ से राउंड शेप दे देंगे और यहाँ से 1/2 इंच इस तरह अंदर की तरफ, यहाँ से गुलाई दे देंगे आर्म होल के लिए। अब बेल्ट का निशान लगाएंगे, तो हमारा तैयार बेल्ट है 12.5 पे है, तो 13 इंच 2 पॉइंट पे लगाएंगे। अब इस निशान को भी हम सीधा मिला देंगे। अब ये जो हमारा फैब्रिक है इसको हम सीधा कर देंगे। देखिए यहाँ पे हमने तीरे को बेल्ट का निशान लगा लिया है। अब सामने से देखिए यहाँ से 1.5 इंच ऊपर इस तरह से करके हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारा चेस्ट है 10 इंच, तो ये जो बीच वाला डॉट पॉइंट बनेगा ये हमारा 5 इंच पे, तो ऊपर से बस्ट का पॉइंट लेंगे। बस्ट का पॉइंट हमारा 10 इंच पे रहेगा, तो देखिए यहाँ पे 1.5 इंच बस्ट का पॉइंट छोड़कर 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और ये हमारा जो डॉट रहेगा उसको 2 इंच का बनाएंगे, तो 1 इंच इधर और 1 इंच इधर इस तरह से। अब दूसरा जो निशान लगाएंगे हम इधर से कमर की साइड लगाएंगे, तो ये भी डॉट जो है हमारा यहाँ से देखिए इस तरह से 2 इंच की दूरी पे रहेगा। तीसरा निशान भी जो रहेगा आर्म होल की साइड वो भी 2 इंच पे, इस वाले डॉट से इस वाले डॉट की दूरी जो रहेगी 2 इंच, और बस्ट के पॉइंट से जो दूरी रहेगी वो 1.5 इंच। तो देखिए इस तरह से इंची टेप बस्ट के पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ से ड्रॉ करेंगे। अब जो फ्रंट में है
उसको भी देखिए यहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे लगाएंगे इस तरह से। तो फाइनली देखिए हमारा ये सारा ड्रॉप हो गया है, सारे निशान को हमने ड्रॉ कर लिया है, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ से निकला, इनको कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम बेड की कटिंग कर देंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से बेल्ट को हम तब कटिंग कर देंगे। अब देखिए हम यहाँ पे आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन की हम लंबाई हमारी है देखिए यहाँ पे 4.5 इंच है, तो यहाँ पे 2 इंच पे एक मार्कर लगाएंगे। और यहाँ से देखिए हमारा आर्म होल जो है 8.5 इंच का है, तो यहाँ पे हम 8 इंच पे मार्क लगाएंगे, ऊपर से 2 इंच इस तरह से करके, और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। अब यहाँ पे हम मोड़ी का निशान लगाएंगे, तो मोड़ी हमारी 6.5 इंच है, तो इसमें भी हम एक्स्ट्रा रखेंगे कपड़ा फिर मार्जिन के लिए। अब इन दोनों निशानों को मिला देंगे हम, और यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। अब इसको हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा आस्तीन की कटिंग हो गई। अब फ्रंट पार्ट में यहाँ पे कट लगा देंगे 1/2 इंच की मार्जिन देते हुए। तो फाइनली हमारा ब्लाउज कट के रेडी हो गया। तो देखिए ये हमारा बाजू बैक पार्ट, और ये हमारा फ्रंट का पार्ट, ये हमारा बेल्ट हो गया, और यहाँ पे फ्रंट का पार्ट। तो फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।